युधिष्ठर ने श्री कृष्ण को प्रणाम करके पूछा कि भागन मास की एकादशी का क्या नाम है और क्या महात्म्य है हे मधुसूदन मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूं तो भगवान कृष्ण ने कहा कि फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है अम्ल एकादशी इसका बड़ा सुखदायी इतिहास है भगवान नारायण सृष्टि के आदि में जो पर ब्रह्म परमात्मा फिर नारायण ने अपने मुंह से जब पहली बार मनुष्य ने थूकता ऐसे भगवान नारायण ने फेंका चमचमा त्रमा की नाई धरती पर गिरा और नारायण का संकल्प करो कि सृष्टि की वनस्पति जगत के आदि कहो वो पहला वृक्ष उत्पन्न हुआ आमले का उस वृक्ष का दर्शन करके देवता लोक आनंदित होने लगे और ये क्या है ये कैसा है इतना फल लगे इतना ये क्या है धरती पे पहली बार वृक्ष देखा तो आकाशवाणी हुई कि आश्चर्य ना करो ये अम्ल वृक्ष है इसके स्मरण से मनुष्यों को गौदान का फल होगा इसके स्पर्श से दो गौदान करने का फल होगा और इसके नीचे व्रत उपवास तो करके जब ध्यान करेगा तो अनंत फल होगा ये वृद्ध को ज्वान बनाने वाला होगा और भगवान नारायण की भक्ति और देवत्व हृदय में जागृत करने वाला आंवला होगा अब ये आंवला उस समय उसकी महिमा थी ऐसा नहीं अब भी भी महिमा है मैं अहमदाबाद में रहता हूं कुटिया में मेरा मन नहीं लगता था वहां का हवामान में फिर मैंने आम लेके वृक्ष लगाए तो अब मैं वहां जाता हूँ तो एक दिन के बदले दस दिन रह लेता हूँ ऐसा सात्विक प्रभाव ऐसा वाइब्रेशन उसके ऊपर